खबर जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर कोतवाली से है, जहां पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अपनी नाबालिग बच्ची का अपहरण होने की आशंका जताई थी, जिसमें पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण होने की आशंका जताई, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं जशपुर कोतवाली एसआई विनय मित्तल ने बताया कि परिजनों द्वारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपहरण होने की आशंका जताई थी, जिसमें गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। वहीं अब आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोतवाली में पीड़ित के जो परिवार वाले, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी जो नाबालिग 16 वर्ष की है, उसके अपहरण की सूचना पर हमने 366 में मुकदमा पंजीकृत किया था। उसके बाद टीम गठित कर अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेजा जा चुका है, मेडिकल कार्रवाई की जा चुकी है।